भी आप अपना परिचय दीजिए। आप सभी को मेरा सेवा जवाहर, मैं शुभम विके, आदिवासी विकास परिषद का युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष। आज कलेक्ट्रेट में किस समस्या को लेकर यहाँ पे आए हैं आप? वैसे तो मेरी आईडी से लॉगिन हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं हम हर साल प्रति अनुसार, और ये विश्व स्तरीय दिवस होता है वर्ल्ड इंडिजिनस डे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार बदली, सरकार चेंज हुई, फिर भाजपा सरकार आई, तो जिस तरीके से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे थे, हम लोगों को ये लगा था कि भाजपा सरकार 9 अगस्त को जो शासकीय अवकाश होता है वो प्रदान करेगी, लेकिन भाजपा सरकार ने 9 अगस्त को विधानसभा सत्र चालू करवा दिया, जिसपे हम लोग उस जिलाधीश महोदय के पास में आए थे कि हम एक ज्ञापन देंगे और उनसे ये मांग करेंगे राज्यपाल जी के नाम पे कि भैया 9 अगस्त को जब आप 79 ब्लॉक्स को 50,000 रुपये देते थे, चिंतन मनन करते थे कि आदिवासी समाज को कैसे उठाएंगे, लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है, उन्होंने जो ये विश्व आदिवासी दिवस पे पिछले साल भी सर शासकीय छुट्टी नहीं प्रदान करी थी, पर हम हमारी तो मांग ही ये रहती है, हमें सर हम तो लड़ते इसलिए कि आदिवासी समाज को थोड़ी सी सुविधाएं प्रदान करें, लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना शोषण और अत्याचार क्यों कर रही है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही आप नेवामर घटना देख लीजिए, आदिवासी परिवार के ऊपर अत्याचार हुआ था। ऐसी कुछ मांगों को लेकर हम लोग जिलाधीश महोदय के पास में आए थे। अब जैसे आप इनसे बात कर सकते हैं, ये है जितेन कोवाची जी बालाघाट से। भी आप किस समस्या को लेकर यहाँ आए हैं और अपना परिचय दीजिए। हम इस समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं कि जैसा कि हम आदिवासी समाज ये चाहते हैं कि जैसे कि पहले हम लोग को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता था, तो उस समय छुट्टियाँ दी जाती थी कमलनाथ सरकार के टाइम पे, और अभी भाजपा की सरकार आने के बाद से वो छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई है। तो हम यही मांग करना चाहते हैं कि उस दिन जो हम छुट्टी हमें मिलती थी वो दी जाए। उस विषय पर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी सौंपे हैं। ठीक है जी। एक दिन छोड़कर पूरे प्रदेश में वो पूरे देश में ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी आदिवासी परिवार को न्याय मिले और अपराधी को फांसी मिले, और उसके बाद हम चाहते हैं कि परिवार को 2-2 करोड़ मिले और शासकीय नौकरी मिले, हमारा उद्देश्य है आज का। महोदय उन्होंने हमको संसूचित किया कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, अन्यथा हम लोगों ने बोला है आप कार्रवाई नहीं करते हो तो पूरा मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में हम गांव-गांव में पंचायत में सरपंचों को ज्ञापन देंगे, सचिवों को ज्ञापन देंगे, और उसके माध्यम से फिर राज्यपालों को पूरे प्रदेश के लेकिन सरपंच के माध्यम से लेकिन सचिव के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे, हमारा उद्देश्य ये करना है। भैया आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शुभम विके, मैं जिला अध्यक्ष आदिवासी विकास परिषद। और आज कैसे आना हुआ कलेक्ट्रेट में? जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल प्रति अनुसार बालाघाट जिले में विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं जो विश्व स्तर पर होता है, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है मध्य प्रदेश में, हमेशा से लास्ट ईयर उसने विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश की छुट्टी मना कर दिया था, इस बार भी उसने शासकीय अवकाश नहीं दिया और विधानसभा सत्र चालू कर दिया, तो इसी मामले को लेकर हम जिलाधीश महोदय के पास में आए थे कि एटलीस्ट आप राज्यपाल सर के नाम पर ज्ञापन लीजिए और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी प्रदान करो, बस यही लेकर हम सारे युवा संगठन और संगठन के लोग आते हैं।